नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो बीए पार्ट थर्ड है उसमें जो प्रश्न पत्र चलता है जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। तो यह जो भारतीय दर्शन एवं व्याकरण का जो प्रश्न पत्र है इसमें एक हमारी दर्शन की पुस्तक है और उसका नाम है तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह में जब आप गुण प्रकरण पढ़ रहे थे तो गुण प्रकरणों में हमने जो 16वां गुण पढ़ा बुद्धि, तो बुद्धि के उसने दो भेद कर दिए थे, यथार्थ और अयथार्थ। यानी पहले तो उसने भेद किया स्मृति और अनुभव, और उसके बाद जो भेद किया यथार्थ और अयथार्थ। तो यथार्थ और जो अयथार्थ जो भेद किए हैं उसने, अब इनमें जो यथार्थ अनुभव है उसके चार भेद थे और चार में प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द। ये तो क्या यथार्थ अनुभव है, और उस यथार्थ अनुभव के चार करण थे, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। तो हम प्रत्यक्ष को पढ़ रहे थे और प्रत्यक्ष में हमने पढ़ा कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका करण प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष के लिए जब बताया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कहा जाता है। कि जब इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। अब बात यह है कि हमारा जो एक शब्द आया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो इंद्रिय और अर्थ के जो सन्निकर्ष हैं, मान लीजिए हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ मान लीजिए नेत्र इंद्रिय है, ठीक है। अब ये नेत्र इंद्रिय है और यहाँ मान लीजिए कोई घड़ा रखा हुआ है, घट, इसको क्या बोलते हैं, घड़े को घट। तो जब इस नेत्र इंद्रिय का इससे क्या होगा, सन्निकर्ष, और इस सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको कह देंगे विद्यार्थियों हम कौन सा, प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब इंद्रिय के जो सन्निकर्ष हैं वह कितने हैं, कौन से सन्निकर्ष होते हैं, तो कवि ने बताया अन्नम भट्ट ने कि इंद्रिय, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु है, कि प्रत्यक्ष ज्ञान के जो हेतु होते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। यानी जब इंद्रियां और जो अर्थ है, अर्थ का मतलब है जो वस्तु है जिसका हमको ज्ञान हो रहा है, वह जब समीप आते हैं एक दूसरे के निकट आते हैं, और निकट ही नहीं सन्निकट, तो सन्निकर्ष दिया है। तो जब एक दूसरे के जब ये निकट आते हैं और निकट आते हैं तो वह जो सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का हो जाता है, 6 प्रकार का। और यही कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु है, कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष षड्विध, वह कितने प्रकार का हो जाता है, 6 प्रकार का हो जाता है। कौन सा, संयोग, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय, संवेद समवाय सन्निकर्ष, और विशेषण विशेष्य भावश्च। और विशेषण और विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है, इस प्रकार से क्या है, 6 सन्निकर्ष हो जाते हैं। यानी जब इंद्रियां किसी अर्थ के सन्निकर्ष में आती हैं, किसी अर्थ को मान लीजिए हम देखते हैं ये मार्कर है, अब नेत्र इंद्रिय के द्वारा जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये क्या है, मेरी नेत्र इंद्रिय का किससे सन्निकर्ष हो गया, मार्कर से। तो ये जो सन्निकर्ष होता है वह कितने प्रकार का माना, 6 प्रकार का माना, और 6 में भी पहला संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, और विशेषण विशेष्य भाव। तो ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है, पहला संयोग, इसमें जो पहला सन्निकर्ष है हमारा संयोग सन्निकर्ष। तो देखिए संयोग सन्निकर्ष का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं,
कि जो संयोग सन्निकर्ष है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा अर्थ घड़ा, और यह हो गया विद्यार्थियों हमारी इंद्रिय, और इंद्रिय भी कौन सी है, नेत्र इंद्रिय है। तो इसने क्या कहा, यद चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, कि भैया जब नेत्र के द्वारा घड़े का प्रत्यक्ष होता है, जब हमारा नेत्र घड़े को देखता है, मान लीजिए मैं अपने नेत्रों से कोई घड़ा देख रहा हूँ, तो क्या कहा, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, कि नेत्र से जब घड़े का प्रत्यक्ष होता है, संयोग सन्निकर्ष, तब क्या होता है, वह संयोग सन्निकर्ष होता है। जैसे आपने पढ़ा था संयोग गुण होता है, जब दो भिन्न वस्तुएं मिल जाती हैं तो वह गुण क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। तो क्या कहते हैं अन्नम भट्ट, कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, कि जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र से किसी घड़े को देख रहा है, मान लीजिए मैं अपने नेत्र से घड़े को देख रहा हूँ, तो यह जो सन्निकर्ष है वह कौन सा सन्निकर्ष कहलाएगा, संयोग सन्निकर्ष। क्यों संयोग सन्निकर्ष इसलिए होता है, क्योंकि नेत्र इंद्रिय अलग है, अर्थ अलग है, यानी घड़ा अलग है, नेत्र इंद्रिय अलग है, और जब ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं मिलती हैं तो यह जो सन्निकर्ष है वह क्या कहलाता है, संयोग सन्निकर्ष। अब उसके बाद दूसरा उसने बताया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तो क्या कहा, घट रूप प्रत्यक्ष जनने, कि सबसे पहले जब हमारे नेत्र देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, घड़े को, और घड़े को देखने के बाद जब हमें घड़े के रूप का ज्ञान हो जाए, उस रूप का प्रत्यक्ष हो जाए, तो कौन सा होता है आपका, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। यानी सबसे पहले जब हम घड़े को देखेंगे तो वह जो हमारा सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष तो कहलाएगा समवाय, सॉरी संयोग सन्निकर्ष, और जब हम घड़े को देखने के बाद उसका जो रूप है उसको देखेंगे तो वह जो हमारा सन्निकर्ष है वह कहलाता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्यों, तो इसने कहा चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात, क्योंकि भैया चक्षु से जो हमारा घड़ा मिला हुआ है, चक्षु से जो हमारा सन्निकर्ष है उसका घड़े का, उसमें जो रूप है वो किस प्रकार से पाया जाता है, समवाय संबंध से पाया जाता है, और चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। तो जब आप देखते हैं, देखिए कि जैसे नेत्र है मान लीजिए, तो नेत्र तो क्या हो गई, इंद्रिय हो गई, और यहाँ मान लेता हूँ मैं घट यानी घड़ा, तो ये तो देखिए इंद्रिय हो जाएगी, ठीक है, ये तो है इंद्रिय और ये है अर्थ, ये इंद्रिय है और यह अर्थ है, जब इनका जब सन्निकर्ष हुआ सबसे पहले, तो कौन सा सन्निकर्ष हुआ हमारा, संयोग सन्निकर्ष। अब इसके बाद क्या होता है स्थिति, जब हम देखते रहते हैं तो घड़े का हमको रूप दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, घट रूप, और जब हमको घड़े का रूप दिखाई देता है तो वह जो हमारा सन्निकर्ष है विद्यार्थियों, वह सन्निकर्ष कहलाएगा आपका, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से जब हम इसका ज्ञान करेंगे तो संयुक्त समवाय। अब संयुक्त समवाय क्यों है, क्योंकि ये जो घड़ा होता है इसमें ये जो रूप है वह समवाय संबंध से रहता है, और जब यह रूप समवाय संबंध से रहता है तो यह कहलाता है आपका संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। एक बार पुनः देख लीजिए क्या कहते हैं, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध, के प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होते हैं वे छह प्रकार के होते हैं, संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, और विशेषण विशेष्य भाव। फिर कहा चक्षुषा, चक्षुषा कहते हैं नेत्र से घट प्रत्यक्ष जनने, यानी नेत्र से जब घड़े का प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ संयोग सन्निकर्ष होता है, और घट रूप प्रत्यक्ष जने, और जब घड़े के रूप का प्रत्यक्ष हो जाए तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। और क्यों, क्योंकि चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात, क्योंकि जो चक्षु से संयुक्त जो घड़ा होता है उसमें जो रूप है वो कैसे पाया जाता है, समवाय संबंध से पाया जाता है। तो इसलिए विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इनको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्शन का। तो आज का ये जो लेक्चर है इतना ही। जय हिंद, जय भारत।